मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नई जड़ी बूटी, ये देखिए गोखरू के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए गोखरू का पौधा कितना सुंदर पौधा है और ये इसके ऊपर पीले पीले फूल लगे हुए हैं। ये पीले फूल लगते हैं और इसकी जो पत्ती है ये देखिए, ये चने के जैसी पत्ती होती है, जैसे चने की पत्ती होती है बिल्कुल वैसी ही पत्ती इसकी भी होती है और ये इस तरह से फैला रहता है। और ये इसके ऊपर देखिए ये फल लगा है, ये फल है इसका, ये कांटेदार होता है, ये कांटेदार फल है। ये अभी बढ़ेगा, अभी बरसात का मौसम समाप्त हुआ है तो ये अभी बढ़ना शुरू हुआ है और ये बढ़ता जाएगा। ये देखिए ये इसका फल है और इसका पंचांग काम में आता है। मैंने गुर्दा पथरी में इसके बारे में बताया था, गुर्दे की समस्त क्रिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। पथरी में इसका पंचांग का काढ़ा बनाते हैं, खांसी दमा इसमें सब प्रयोग किया जाता है। पुरुषों के रोग जैसे प्रोस्टेट बढ़ जाता है, शीघ्र पतन होता है, नाइट फॉल होने लग जाता है, नपुंसकता आ जाती है। इसका पका फल का चूर्ण प्रयोग करते हैं, पका फल लेकर के ये जो फल है ये आप देखिए, ये देखिए फल लगा है इस पर, इसको लेकर के सूखा हुआ फल मार्केट में मिल जाता है या आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसको पश्चात का चूर्ण के इसको प्रयोग पित्त के ये बहुत रक्त पित्त में भी औषधियों के साथ इसको देते हैं। इसकी जड़, इसका फल, पंचांग पूरा काम में आने वाला औषध है ये और पूरे भारत में पाया जाता है, सिर्फ तलाश करने की आवश्यकता है। आप देखिए कितना सुंदर पौधा है और काफ़ी फल भी इसके ऊपर लगा हुआ है। तो आप इस प्रकार से इसको पहचानिए और इसका अपने दैनिक जीवन में विभिन्न रोगों में प्रयोग कीजिए। ये देखिए ये मैंने आपके लिए तलाश किया है और ये वीडियो तैयार किया है। इसको आप अच्छी तरह से गौर से देखें और प्रयोग करें, बहुत सुंदर पौधा है, बहुत सुंदर पौधा है। ये देखिएगा पंचांग इसका काम में आता है। भाइयों बहनों, एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए मैं यहाँ 2 किलोमीटर अपने स्थान से चलकर आया हूँ और ये आपके लिए तलाश करके वीडियो तैयार कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें और अपना पुरस्कार हमें देते जाएं और ये लाभकारी औषध देखते जाएं और इनका लाभ उठाते जाएं। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए कितना सुंदर पौधा है, ये मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।